ओहो, क्या नजारे हैं। जय हिंद सर। जोर लगाओ, पीछे लाके, थोड़ा थोड़ा पीछे लाके। हाँ अब तो ये तो खतरनाक सीन हो गया जी। पता ना लोग कहाँ चल रहे हैं। होय 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 होय, जूते ना भींगियो मेरे। बस सैल्यूट है यार ब्रो आपको। भाई साहब, यो हो भाई साहब, ओ हो। सो गुड मॉर्निंग। और कल हम रुके थे केलोंग में, और केलोंग मनाली से 80 किलोमीटर दूर है लमसम, और यहाँ से ले है 330 किलोमीटर। सो मैं एक बार आपको वादियाँ का व्यू दिखाता हूँ कि किस जगह पे मैं रुका हुआ हूँ। और मस्त तो नज़ारे हैं, और ये डाला हुआ है जैकेट भाई, क्योंकि अभी ठंड लग ही रहा है। जूम करके दिखाता हूँ ब्रो, वो देखो। हो हो, क्या नज़ारे हैं, मस्त तो नज़ारे हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, केलोंग से। और ये जी बाइक पे चढ़ा, और ये है कुछ होटल का नाम, होटल नालवा करके है। सो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है जी, बट कोई नहीं, चलो। होटल नालवा में रुका हुआ था जी, और अच्छा मिल गया तीन लोगों का 1100, तो अच्छा होटल मिल गया था, और प्राइस भी काफ़ी अच्छा रहा जी। ये वादियाँ देखो, ये माउंटेन व्यू देखो ब्रो। सो माउंटेन व्यू तो लाजवाब है। पहाड़ों के बीच में चल रहा हूँ जी। ओहो, सुबह के 8 बजे हैं, और 10 घंटे का सफ़र है अपने को। सीधा 300 कुछ किलोमीटर फ्यूल मिलेगा जी, 365 किलोमीटर बाद। वो जो केलोंग में था, जो वो लास्ट पेट्रोल पम्प था, उससे पहले भाई टांडी में लास्ट पेट्रोल पम्प था। सो चलो कोई नहीं, हमारा फ्यूल अप हो चुका है, फुल हो चुका है जी। ओ भाई साहब, ले 354। गूगल मैप भी नहीं यार, कभी कभी क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है। ओ भाई साहब, ये बकरियां, ओह बड़े बड़े बाल होते हैं जी, बड़े बड़े सींग भी होते हैं। भाई साहब, क्या खतरनाक रोड में है यार। चलो कोई नहीं जी, ये तो पक्का पहाड़ है, कच्चा पहाड़ में हमने कर लिया है हिचाइक, वो भी ट्रक से भाई। बहुत डर लगता था भाई, और इस टाइप से रास्ते भी नहीं भाई। आप देखो, अगर आप अरुणाचल का सीरीज देखना चाहते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट का है हाइकिंग का, तो आप देख सकते हो ब्रो। उसमें भाई साहब गजब, ये सब तो चलो पत्थर वाले हैं, वो तो भाई गिरने लगते थे, वो हर 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 करके गिरते थे। पत्थर नाम का चीज़ ही नहीं रहता था, बीच बीच में रहते थे जी, बाकी मिट्टी वाले पहाड़ थे, कच्चे पहाड़। आँखें नहीं थकेगी जी आपका ये सीनरी देख करके। सो चलो, जल्दी से खींचना है तो 50-55 तो चलाना ही पड़ेगा जी। 350 किलोमीटर है जी लेह दिखा रहा है यहाँ पे, बट हम तो गूगल मैप लगाया ही नहीं कि कितना है क्या है, कुछ नहीं जी, क्योंकि हमारा ये ख़राब हो चुका है जी। रास्ते अच्छे हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत भाई साहब, ऊपर स्नो भी है जी। तो चढ़ गया जी, चढ़ गया जी। देखने में, कैमरे में देखने में पता नहीं चलता है भाई हाइट, बट भाई पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पता चलता है कि हाँ भाई साहब क्या हाइट। और भाई मैं सपना देख रहा होता रात में सैम से, बोला था सैम भाई मेरा ना क्लच प्लेट जल गया है, मेरा भाई बाइक चढ़ ही नहीं रहा है हाइट पे। तो सैम भाई बोल रहे हैं कि अरे भाई कोई नहीं, हाइट पे ऐसा ही होता है। और फिर बोल रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि भाई तुम फिर खराटा लेने लगा। तो फिर वो समझ गया कि वो साहिल भाई ना नींद में सपने देख रहे हैं, वो भी बोल करके भाई। सरचू 92 किलोमीटर भाई साहब, और सरचू भाई साहब बहुत ही ऑक्सीजन कम है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। तो चलो आज देखते हैं क्या होता है जी। तो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, आलू प्याज की पराठे, और ये चटनी, प्याज और
टमाटर और लाल मिर्च की, अरे अचार, और ये भाई चाय। मस्त लोकेशन पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, बहुत तीखा है जी, सो ब्रेकफास्ट करते हैं। और तब तक आप एक प्यारा सा ये बैली का ड्रोन शॉट देखो जी। ओ भाई साहब, यहाँ पे एंट्री करवाना है जी अपने को, तो चलो एंट्री करवाते हैं। बस चेक पोस्ट मिला जो एंट्री करवाना पड़ता है यहाँ पे, पूछते हैं कहाँ जाना है जी। हम वहाँ नीचे से आ रहे हैं यार, और चढ़ाई किए हैं ऊपर तक, और अभी और चढ़ना है भाई साहब। यहाँ पे कटाई चल रही है जी पहाड़ों की, रास्ता क्लीन होगा तब ना। वेस्ट बंगाल राइडर है भाई साहब, एक भी नहीं बिहार के। जय हिंद जय हिंद। से कम 60-70 कन्वॉय गए यार, और मजा आ गया यार, देश के रियल हीरो को देख करके, उनको सैल्यूट करके भाई साहब। और सारे बाइकर रुके हुए थे, कम से कम 50 बाइकर अभी पीछे हैं, और देख सकते हो आप मिरर में, और 20 से 30 बाइकर से ज़्यादा आगे निकले हैं। चलो अच्छा लगा यार, जय हिंद सर। ओहो होए होए होए, वाटर क्रॉसिंग वाटर क्रॉसिंग, आराम आराम से चलना है पे। ओ भाई साहब, पानी तो बहुत ठंडे हैं। सो दोस्तों, ये है दीपक ताल, यहाँ पे बाइकरों का भाई साहब। ओहो, वहाँ पे लगा हुआ है साइन बोर्ड दीपक ताल, और ये देखो ये है दीपक ताल। लेक है प्यारा सा छोटा सा, और हम लोग बढ़ रहे हैं भाई सरजू की ओर, और देखो क्या व्यू है भाई साहब, क्या माउंटेन है। वन व्हीकल एट ए टाइम, मतलब एक ही गाड़ी एक बार में पार हो सकती है जी। सो भाई साहब, देख सकते हो रास्ते के किनारे, वो हो बर्फ पड़े हुए हैं यार, और ये पिघल भी नहीं रहे यार। पथरीले रास्ते भाई साहब, क्योंकि होए ऑफ रोडिंग भी जी तगड़ा वाला, देखो जी। होए यार, चलो जोर लगाओ, अरे जोर लगाओ, कस के दो पीछे लाके, थोड़ा थोड़ा पीछे लाके, हाँ अब दो। तेरी के ब्रेक मार दे तो है यार, ओए होए, निकल गया जी, निकल गया। ये तो खतरनाक सीन हो गया जी, ओ भाई साहब, रास्ते तो एकदम है ही नहीं यार।
पता ना लोग कहाँ चल रहे हैं। निकल लिया जी, निकल लिया। होय 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 होय, जूते ना भींगियो मेरे बस भाई। कौन गाड़ी रखे हो गए? निकल गया जी। सावश धनु, सावश सावश। तो अभी हम लोग जिंगजिंग बार से गुजर रहे हैं और सरचू है 53 किलोमीटर और पांग है 129 किलोमीटर। तो चलो अब यहाँ से चढ़ाना है ऊपर भाई साहब। ओ भाई साहब, सो साइकिल से यार। भाई साहब यहाँ पे बेस बेस का हालत ख़राब हो जाता है यार। ये बंदे, सैल्यूट है यार ब्रो आपको। तो बारह लचला पास यहाँ से मात्र और मात्र 15 किलोमीटर। खारी ग्लेशियर ही ग्लेशियर नजर आ रहा है। वाओ वैन, वो देखो दूर दूर तक भाई साहब। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की कमी लग रही है मुझे, बट कोई नहीं यार। क्या ड्रोन सुसु, ये देखो ग्लेशियर भाई साहब। हो हो, अभी भाई साहब चढ़ना है, चढ़ते जाना है ऐसे 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 ऊपर तक। ये व्यू को हम लोग जमकर एंजॉय किए। और यो हो, जाओ जी जाओ जी जाओ जी, इसी एडवेंचर के लिए तो हम आए थे जी, और ये एडवेंचर मिला। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, अगली बार से और पहले आऊँगा। ये रोड पे भी बर्फ जमा हुआ मिले। देखो ऊपर तक के गाड़ियां हैं भाई, ऊपर जाना है एकदम ऊपर टॉप पे भाई साहब। ओ हो 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 हो, ओ भाई साहब बड़े ठंडे बर्फ है यार। चलो जी, इतने देर में हाथ ठंडे हो गए हैं जी। ओ देखो जी, मस्त मस्त वादियां हैं। एक छोटा सा लेक। ओहो, अब वाटर तो भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब। हो, अब इतने दूर रास्ते खराब है भाई साहब। गजब का ऑफ रोडिंग है यार। चढ़ जा बेटा। ये सूरज ताल, ये सूरज ताल है भाई साहब। ये सारे ग्लेशियर के पार्टर है जो यही सूरज ताल हो में जाती है, और ये फिर निकलती होगी नदी में। ओ भाई, मेरा तो गाड़ी जवाब दे रहे हैं यार। इतना हाइट है क्या तेरा? कहाँ कौन साइड गिरा? उस साइड तो गिरा नहीं, पूरा ऐसा हो गया गाड़ी। नहीं मतलब ऐसा पूरा गिर गया, तो फोर व्हीलर वाले थे जो उठा दिया था। अभी तक पीली बोर्ड के पास भाई हमने फोटो नहीं लिया है, तो आगे बारह लाचला पास है तो वहां पे फोटो लेंगे। बकल लिस्ट में था बारह लाचला पास, तो वो ड्रीम पूरा हो चुका है।